हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करने जा रहा हूँ न्यूली लिस्टेड कंपनी और कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी में अगर आप निवेश करके चलेंगे तो ये आने वाले समय में आपको आसानी से करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये आपके लिए आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। दोस्तों, कंपनी के रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे, कंपनी के बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ पर एक एक करके चेक करेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल पैरामीटर को भी यहाँ पर बारीकी से देखेंगे। तो आइए डायरेक्टली पहले कंपनी का जो बिजनेस है और प्रोडक्ट है ये क्या क्या है इसके ऊपर नजर डालते हैं। जनरली कंपनी देखिए, पहला नंबर प्रोडक्ट है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में काम करता है, एआई में काम करता है, जिसमें 13 प्रोडक्ट्स हैं। ये एआई जो है दोस्तों, 13 प्रोडक्ट्स यहाँ पर टोटल इनका इस सेगमेंट में है, इंक्लूडिंग इथाइल एसिटेट, एसिटाइल डिहाइड्रेट, फ्यूल ग्रेड इथानॉल एंड अदर प्रोप्रिएटरी सॉल्वेंट्स। ये तो गया केमिकल्स, बट इस केमिकल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है ये इसको देख लेते हैं। ये जो है फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, एग्रोकेमिकल्स में यूज होता है, इंक एंड पेंट्स में ये केमिकल यूज होता है, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एंड एडहेसिव इंडस्ट्रीज इस केमिकल को खरीदते हुए आपको दिखेंगे। दोस्तों, ऐसा केमिकल बनाता है जो जिसका कि सालों साल यूज होता है। दोस्तों, ये आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन से देख पा रहे हैं। दूसरा नंबर प्रोडक्ट है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में काम करता है, जो कि यहाँ अगर देखेंगे इसका प्रोडक्ट एक किटिन एंड ओवर 34 डाई किटिन डेरिवेटिव्स कंपनी बनाता है, इंक्लूडिंग इस्टर्स, एसिटिक एनहाइड्राइट, एमाइड्स एंड आरलाइट्स। ये तमाम केमिकल्स है, ये जो केमिस्ट्री वाले हैं इनको आसानी से समझ में आ रहा होगा, बट हमको देखना है इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। फार्मास्यूटिकल्स में है, एग्रोकेमिकल्स में है, डाइज एंड पिगमेंट्स में, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्रीज में ये जनरली काम होता है, एंड पेंट्स एंड ये आप कंटिन्यूसिंग इंडस्ट्रीज में इसको आप यूज होते हुए दिखेंगे। ये तमाम डाइवर्सिफाइड यूज है इनके केमिकल का। नेक्स्ट अगर देखेंगे एफआई में काम करता है ये फ्लूरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में, इसमें पोर्टफोलियो टोटल है 100 प्रोडक्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में 100 है। एप्लीकेशन कहाँ है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम रेडिएंट इंडस्ट्रीज इसको केमिकल को खरीदते हुए आप देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ से हमको एप्लीकेशन से पता लग रहा है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर सालों साल चलने वाली प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। और कुछ पैरामीटर को यहाँ पर देख लेते हैं। वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इथाइल एसिटेट है, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, विथ ए मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% मार्केट शेयर ये एक्वायर करता है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसिटेट सिंस 2018 से ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। इंडिया ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाई किटिन डेरिवेटिव विद ए मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55%, ये ओनली वन कंपनी है। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ डाई किटिन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। आप यहां से बिल्कुल अंदाजा लगा पाएंगे दोस्तों कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल कितना भरा हुआ है। नेक्स्ट आइए कंपनी के रिलेटेड और कुछ पैरामीटर को यहां पर डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ अगर बात करेंगे लार्ज स्केल इन ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर देन 3 डिकेड से ये काम करते हुए नजर आएगा। प्रोडक्ट तो देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 50 प्रोडक्ट्स कैटरिंग टू फार्मा, एग्रो, पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाइज, ये तमाम हम चेक कर लिए हैं दोस्तों कंपनी की। अगर दूसरा बात करेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट देखिए, विथ ऑफर्स इन यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट विथ स्टॉक पॉइंट्स इन यूरोप। देखिए आप तमाम ग्लोबल इसकी रीच भी देखेंगे तो जबरदस्त यहां पर नजर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी का जो इंडियन मार्केट शेयर ग्रोथ देखेंगे, यहां पर जिस सेगमेंट में काम करता है फार्मास्यूटिकल्स, ये 2019 से 2024 का इन्होंने आंकड़ा दिया है, सीएजीआर में है। फार्मास्यूटिकल्स में ये देखिए 11% की ग्रोथ दिख सकता है सीएजीआर। एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सेगमेंट में देखिए 10% सीएजीआर में ये ग्रो हो सकता है। दोस्तों, ये सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पर ग्रोथ ये दिखाने की कोशिश किए हैं। डाइज एंड पिगमेंट्स में देखिए 11% है, पेंट्स एंड कोटिंग में 11% है, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इंग्रेडिएंट्स में 13% की ग्रोथ आपको आने वाले समय में 2024 तक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू कौन कौन सा सेगमेंट से कितना आता है। फार्मास्यूटिकल से देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए दिख रहा है जो कि 33% है, FY21 की आंकड़ा है। एग्रोकेमिकल्स की अगर बात करेंगे ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 11% है। केमिकल सेगमेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पर 11% आपको दिखेगा। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से आप देख पा रहे हैं 27% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। कलर एंड पिगमेंट से बात करेंगे तो 11% की है। ओदर मिसलेनियस चीजों से 7% की कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हुए यहाँ पर आपको दिखेगा। और कुछ पैरामीटर को भी यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है दोस्तों इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यूरोप से 41% का सेल्स कंपनी करते हुए दिख रहा है आपको। मिडिल ईस्ट 19%, रसिया से आप देख पा रहे हैं 7% की है। अफ्रीका की अगर बात करेंगे 7% है। अमेरिका से देखिए यहाँ पर 8% की रेवेन्यू जनरेट होता है। रेस्ट ऑफ एशिया से 17% की जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिख रहा है। और यूरोप देशों से देखिए 41% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए आपको दिखेगा दोस्तों। जबरदस्त ग्लोबल प्रेजेंस के साथ कंपनी यहां पर कामकाज करते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है। कस्टमर्स इन ये लिखे भी हैं, कस्टमर्स इन 30+ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएसए एंड यूएई अमंग ओदर्स। लोकल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑफिसेस फैसिलिटीज इन सेल्स एंड मार्केट इनसाइट्स। इंटरनेशनल में भी ये देशों में भी इनका ऑफिसेस मौजूद है। यहाँ पर अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन की मार्केट्स, ये तमाम चीज़ों के साथ कंपनी काम करता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। सबको अगर मिला के देखेंगे तो कंपनी तो यहाँ पर जबरदस्त नज़र आता है और भरपूर पोटेंशियल के साथ कामकाज करते हुए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल पैरामीटर को अगर देखेंगे, पहला नंबर है आरओई। आरओई में क्या हो रहा है देखिए, 5 साल का एवरेज आरओई अगर देखेंगे इसका 5.74% था। 3 साल की अगर बात करेंगे ये 9.75% है दोस्तों। बट लेटेस्ट आरओई देखिए 12.28% का मेंटेन करके चल रहा है। आरओसी में भी वही हाल है, बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 5 साल का एवरेज है 5.99%, 3 साल 9.98%, लेटेस्ट 16.58% का आरओई कंपनी मेंटेन करते हुए आपको दिखेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन में क्या हो रहा है देखिए, 2.35% का दिखेगा 5 साल का। 3 साल की एवरेज देखिए 3.92% है। लेटेस्ट मार्जिन की अगर बात करेंगे 7.18% कंपनी दर्ज करते हुए दिख रहा है दोस्तों। ईयर वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त होता हुआ आपको दिखेगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है जो कि जबरदस्त, यहां पर ज्यादा कुछ कर्जा कंपनी का नहीं दिखता है। नेक्स्ट आइए कंपनी के जो प्राइस परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसको भी देख लेते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। पिछले 3 महीना में देखिए 121.56% की जबरदस्त रिटर्न बना के दे दिया दोस्तों। जिन्होंने निवेश किया था ये कमाल कर दिया है, जस्ट डबल हो गया है इनका पैसा। एक मंथ की अगर बात करेंगे ये भी 77.31% है। कंपनी की अगर हम एवरेज डिलीवरी को देखेंगे क्या हो रहा है इसके शेयर्स में, देखिए 22.82% की एवरेज डिलीवरी मंथली दिखेगा। एक हफ्ते की अगर बात करेंगे ये 23.42% की एवरेज डिलीवरी है। और यस्टरडे जो लास्ट पिछला ट्रेडिंग सेशन था 34.19% की डिलीवरी उठाया गया था। यहाँ पर इस प्राइस में भी डिलीवरी उठाया जा रहा है दोस्तों। अगर आज की बात की करेंगे आज की डिलीवरी कितना है ये देख लिए, 33.83% की आज के दिन भी डिलीवरी उठाया गया है कंपनी के शेयर्स में। कंपनी का बैलेंस शीट को भी यहाँ पर चेक कर लेंगे। टोटल रिजर्व सरप्लस 987 करोड़ का यहाँ पर दिखेगा। लॉन्ग टर्म में 9.87 करोड़ की कर्जा है। शॉर्ट टर्म में 11.36 करोड़ का जा आपको दिखेगा। कंपनी के पास कैश कुछ है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहां पर है थोड़ा सा कैश तो दिख रहा है। 534 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी अपने हाथ में रखता है। करेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं किया है 2 करोड़ का यहां पर दिखेगा। टोटल एसेट क्या हो रहा है देखिए, 1734 करोड़ का हो गया है और ये एसेट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। बैलेंस शीट वाइज भी देखेंगे तो कंपनी यहां पर कुछ खराब नजर नहीं आ रहा है, जबरदस्त कंपनी यहां पर आपको दिखेगा। कंपनी की अगर हम फ्यूचर आउटलुक को देखेंगे, कंपनी
आने वाले समय में कैसा कर सकता है दोस्तों, ये देखिए यहां से आपको पता चल जाएगा। इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, जी दोस्तों ग्लोबली कंपनी यहां पर अपना विस्तार करते हुए जा रहा है, अपना जो है कस्टमर्स यहां पर ढूंढता ही जा रहा है। क्रिएशन ऑफ सब्सिडियरी इन यूएसए विथ एन एम ऑफ हैविंग स्टॉक पॉइंट इन द यूएस, ऑपरेशनलाइज चाइनीज सब्सिडियरी एंड हैव स्टॉक पॉइंट इन चाइना टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना, चाइना में भी ये अपना विस्तार करता रह जा रहा है। कंटिन्यूइंग फोकस इनोवेशन, ये इनोवेशन अपना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में भी ये कंपनी अब जो ज्यादा फोकस कर रहा है दोस्तों। यहां पर देखेंगे तो एक्वायर्ड ए आप 3 लाख स्क्वायर फीट ऑफ आरएनडी फ्लोर स्पेस नियर मुंबई, ये भी एक्वायर कर लिया है। एस्टैब्लिशिंग द फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस को भी ये अपना बढ़ावा दे रहा है और फोकस कर रहा है। कैप्चर मार्केट शेयर ऑफ मीटिन यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग केमिस्ट्रीज एंड पास्ट कस्टमर बेस, ये देखिए इस सेगमेंट में भी यहां पर मार्केट शेयर एक्वायर करता जा रहा है। विथ मार्केटिंग सपोर्ट इन यूरोप लिवर्जिंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इन फार्मा एग्रो सेक्टर टू बूस्ट मार्केट एंट्री, जी हाँ दोस्तों जबरदस्त फ्यूचर आउटलुक के साथ कंपनी काम कर रहा है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये जबरदस्त आपको रिटर्न बना के दे सकता है दोस्तों, ये एक मल्टी वेगर रिटर्न यहां से आप कमा के जा सकते हैं। बट आपका नजरिया इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 साल या 10 साल का लॉन्ग टर्म लेके आप अगर इसमें निवेश करके चलेंगे तो जबरदस्त मुनाफा के साथ ये आप इस कंपनी से मिल सकता है दोस्तों। बाकी रिसर्च करना और कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है दोस्तों, ये कंप्लीट डिसीजन तो आपका ही होगा। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।